PAG 172 शासन मुद्दे और चुनौतियाँ, इसका क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 15 रहेगा, चैप्टर नंबर यानी 15 रहेगा। चैप्टर नंबर 15 क्या है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार, कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व, ये चैप्टर नंबर 15 में यही रहेगा। और इसमें जो हमारा रहेगा 15.2 क्या रहेगा, सार्वजनिक सेवा का अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक सेवा क्या होती है इसका अर्थ बताइए। 15.3 रहेगा भारत में प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देने वाले कारक, यानी भारत में जो सार्वजनिक सेवा है ऐसे ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी सार्वजनिक सेवा को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं सार्वजनिक सेवा को। अगला क्वेश्चन का सार्वजनिक गारंटी अधिनियम क्या है, सेवा अधिनियम। 15.5 रहेगा नागरिक चार्टर, फिर 15.6 सूचना का अधिकार, और 15.7 रहेगा कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उन सभी इम्पोर्टेंट जितने हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे और आपको देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर जो हमारा रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्वजनिक सेवा का अर्थ क्या होता है, देखिएगा, ठीक है। सार्वजनिक सेवा सरकार से संबंधित है, यानी जो सार्वजनिक सेवा है वह सरकार से जुड़ा एक मामला होता है, सरकार अपने नागरिकों को ये सेवाएं देती है, यानी जो सरकार होती है वह अपने नागरिकों को जो सेवाएं देती है उसी सार्वजनिक सेवा कहते हैं। प्रशासनिक निकायों के द्वारा प्रदान की, यानी सरकार जो अपने नागरिकों को सेवा देती है वह प्रशासन के द्वारा उनको देती है, वो ही उनकी गारंटी लेते हैं, यानी जो प्रशासन होता है वही उनकी क्या लेता है, गारंटी भी लेता है। सार्वजनिक सेवा नागरिक और राज्य के बीच सार्वधिक सामान्य अंतरपला प्रदान करती है, यानी जो सार्वजनिक सेवा होती है वह राज्य और नागरिकों के बीच एक क्या करती है, अंतर संबंध है, यानी राज्य क्या करता है नागरिकों को बहुत प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है, इससे क्या होता है राज्य और नागरिकों के बीच में एक संबंध बनता है। इसकी कार्यप्रणाली और वितरण लोगों के प्रति विश्वास की भावना देती है, यानी सरकार जब भैया लोगों को सार्वजनिक योजनाएँ देंगी, बहुत सारी योजना देती है, सुख सुविधाएँ देती है, तो क्या होता है कि जो जनता है, जनता का विश्वास क्या होता है सरकार में बहुत बढ़ता है, यानी जो आम जनता है, जो आम लोग हैं उसका विश्वास क्या होता है भावनाओं का सरकार क्या करती है उसको साकार देती है। सरकार का उद्देश्य है विभिन्न स्तरों, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर विद्यालय, अस्पताल खोल करके एक प्रभावी सार्वजनिक प्रणाली को प्रचालित, यानी जो अगर हम बात करें, अगर सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हमारी स्थानीय सरकार हो, विद्यालय खोल करके, अस्पताल खोल करके ये क्या करती हैं, एक प्रभावी वितरण प्रणाली को लागू करती हैं ताकि लोगों के रहन सहन में सुधार किया, यानी जो सरकारें होती हैं, चाहे हमारी केंद्र सरकार है, चाहे हमारी राज्य सरकार है, वह अपने नागरिकों के लिए इसलिए सुख सुविधाएं देती है, इसलिए उनको कई सारी योजनाएं और सेवाएं देती हैं ताकि लोगों का जीवन शैली, यानी उनका जो लाइफ जीवन जीने का तरीका है उसमें परिवर्तन किया जा सके, उनमें सुधार किया, यानी लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसको प्रभावी बनाने के लिए क्या करती हैं, वह तमाम तरह की सार्वजनिक सेवाओं को दी जाती हैं, ठीक है, बोलिए करती हैं। जो सरकारें होती हैं लोगों में, अगर कह सकती हो, लोगों का रहन सहन में सुधार हो तथा उनको उनका लोगों का जीवन स्तर बढ़े, यानी लोगों का विकास और डेवलपमेंट हो, अगर लोग विकास और डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो सरकार क्या करती है उनको कई सारी सेवाएं प्रदान करके उनके जीवन स्तर में क्या करती है या रहन सहन में सुधार करने का काम करती है। नागरिकों को ये सेवाएँ सरकार द्वारा सीधे या निजी संस्थानों के द्वारा दी जाती हैं, यानी जो नागरिकों को जो सार्वजनिक सेवाएँ दी जाती हैं वह कई बार सीधे सरकार के द्वारा या कई बार सरकारी जो संस्थान होते हैं उसके वित्तीय संसाधनों के द्वारा उनको प्रदान की जाती है। देखिए, सार्वजनिक सेवा से अभिप्राय है कार्य, बाधाओं, दायित्वों तथा कर्तव्यों का रहित सारा माल एवं सेवाएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदान, यानी जो नागरिक होते हैं, देखो नागरिकों को कई जो दायित्व हैं, जो कार्य हैं, जो कर्तव्य हैं, उन सभी चीज़ों की क्या होती है, उनको सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। जैसे नागरिक चार्टर विधेयक 2011, नागरिक चार्टर जो विधेयक है 2011, देखो सरकार क्या करती है, नागरिकों को सेवाएं देती है। सार्वजनिक सेवा से अभिप्राय है कि जो कार्य हैं, जो बाध्यताओं हैं, जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, उनका सारा माल और सेवाएं सार्वजनिक प्राधिकरण के द्वारा प्रदान की जाए, यानी नागरिकों को सरकार क्या करती है, तमाम सेवाएँ प्रदान करती हैं जो सरकार का एक प्रकार से कर्तव्य है। सार्वजनिक सेवाएँ वह सेवाएँ हैं जिन्हें मुख्यतः पूर्णतया कराधान यानी टैक्सेशन द्वारा फंड से प्राप्त, जो सरकार अपने नागरिकों को सेवाएं देती है वह जो टैक्स से, यानी नागरिकों से भैया बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, हम लोग क्या करते हैं टैक्स देते हैं सरकार को ना, तो सरकार जो हम लोगों से टैक्स लेती है वही हम लोगों को सेवाओं के रूप में प्रदान करती है, ठीक है, हम लोगों से क्या करेगी कराधान यानी टैक्स फंड लेगी, फंड जो प्राप्त होता है उसी से नागरिकों को क्या की जाते हैं सेवाएँ।
ये सेवाएं सामान्यतः वित्तीय मुनाफे के लिए कार्य नहीं करती, यानी जो सेवाएं दी जाती है इसके ये नहीं होता कि इससे कोई मुनाफा लिया जाए, बल्कि इसके वितरण से माल और सेवाओं के लिए तत्काल भुगतान की अपेक्षा नहीं होती। यानी जो सरकार तमाम तरह की योजनाएं देती काम करती हैं या नागरिकों को सेवाएं प्रदान करती है, इससे कोई नागरिक तुरंत भुगतान करे या उसे कोई पैसा कर लेने की अपेक्षा नहीं रहती है। यह मुख्यतः गैर वाणिज्यिक स्वरूप होती है, यानी जो होती हैं यह बाजार के लिए नहीं होती, गैरवाणिज्यिक है, इसमें बाजार स्पर्धा का स्थान नहीं होता। यानी इसमें जो सरकार जो नागरिकों को सेवाएं प्रदान करती है, इसमें बाजार का कंपटीशन के लिए नहीं सेवाएं प्रदान करती है, बल्कि नागरिकों को सेवाएं सुविधाएं प्रदान करने के लिए, यानी उनका जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए। जिन उपभोक्ताओं के पास बाजार में ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं, सार्वजनिक सेवाएं उनकी ज़रूरतों में काफ़ी हद तक पूरे, यानी जो लोग भैया जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, जो लोग बाज़ार से चीज़ों को खरीद नहीं सकते हैं, जो लोग जिनमें समर्थ नहीं है वो चीज़ों को खरीद सकें या अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, तो सरकार उनको क्या करती है, कई सारी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, उनको सुविधाएँ प्रदान करती है। सार्वजनिक सेवाएं सरकार से संबंधित हैं, यानी जो सार्वजनिक सेवा तो है वह सरकार से जुड़ा मामला है, उनमें प्रशासनिक निकायों के क्षेत्र के आने वाले लोग, यानी इसमें जो हमारे प्रशासनिक निकाय हैं वो क्या करते हैं, ये तमाम तरह की जो सेवाएं होती है उसको देने का काम करते हैं। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, तो उसमें जो सरकार के होते हैं, देखिएगा उसमें जो सरकार होती है, सरकार के जो प्रशासनिक निकाय हैं वह क्या करते हैं, सार्वजनिक सेवाओं को बांटने का काम करते हैं। भारत में इन सेवाओं को सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम, यानी भारत में अगर बात करूँ, इंडिया में क्या बोलोगे, इन जो अधिकार हैं, इन अधिकारों को क्या बोला जाता है, सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम, या सेवाओं के अधिकार के तहत लोगों को सेवाएँ दी जाती हैं। इस अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली कुछ आम सेवाएँ हैं, जैसे जन्म, जाति, विवाह, आवास, बिजली, पानी कनेक्शन, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, भूमि रिकॉर्ड आदि दिया, यानी नागरिकों को कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है। भैया जन्म के समय जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जैसे विवाह होगा जहां रहते हैं वहां पर डोमोसाइल, उनको बिजली प्रमाण पत्र, बिजली के कलेक्शन, पहचान पत्र, राशन कार्ड, उनके भूमि का जो रिकॉर्ड होता है बही खाता जो या बोलते हैं जो भूमि का, ये सेवाएं क्या करती हैं, सरकार उनको प्रदान, यानी नागरिकों को क्या करती हैं, ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं एकाधिकारी के द्वारा या अल्पाधिकारी के द्वारा या आदेशात्मक होती हैं, या जो सेवाएं उनको मिलती हैं ये अधिकार के द्वारा मिलती हैं या अल्पाधिकार या आदेशों के द्वारा नागरिकों को सेवाएं। कहने का मतलब है कि जो हमारे देश में अगर हम सरकार की बात करें, सरकार जो नागरिकों को तमाम तरह की सेवाएं प्रदान करती हैं, उनको भारत में प्रभावी सार्वजनिक वितरण को बढ़ावा देने के कारण, यानी भारत में जो सार्वजनिक सेवा वितरण है, या कहते हैं भारत में जो सरकार नागरिकों को सेवाएं प्रदान करती हैं, वह कौन कौन से कारक हैं जो सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ा रहे हैं, तो 15.3 में देखिएगा, भारत जैसे विकासशील देशों में सार्वजनिक सेवा वितरण शासन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यानी भारत अगर की बात करो, यहाँ तो सार्वजनिक जो सेवा है, यानी सरकार जो नागरिकों को सेवा देती है, वह सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बिना उपयुक्त पद्धति के हम नागरिकों को सेवा प्रदान, देखो भारत में जो सार्वजनिक सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जाती है उसका एक तरीका, एक पद्धति, एक टेक्निक है जिससे नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगर कोई पद्धति नहीं रहेगी तो नागरिकों को सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में कई प्रयास, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं दी जाएं, इसके लिए बहुत सारे काम, लेकिन किसी न किसी कारणवश परिणाम अच्छे नहीं, यानी नागरिकों को तो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, यानी जो हमारे नागरिक हैं उनको तो सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं दी जाती हैं, लेकिन जो परिणाम निकलने चाहिए, जो रिजल्ट निकलने चाहिए वह बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। नौकरशाही तंत्र की कमियां तथा राजनीतिक कुचलन के कारण सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में बाधा है। नौकरशाही यानी जो अधिकारी लोग हैं भ्रष्टाचार कर देते हैं, या जो नेता लोग हैं वह सही नहीं वो भ्रष्टाचार कर देते हैं, इसलिए जो नागरिकों को सेवाएं दी जाती हैं उनमें बहुत सारी बाधाएं भी आ रही हैं। सार्वजनिक सेवा प्रणाली में उचित दर की दुकानों में भ्रष्टाचार, यानी सार्वजनिक सेवा में क्या भैया भ्रष्टाचार है, बहुत अत्यधिक कुशासन है, इस प्रकार के खतरे हैं। आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय भंडारण यानी जहां पर अनाज भंडारण किए जाते हैं जारी करते हुए आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्नों का अनुमानित 58% भी लक्ष्य समूह अर्थात गरीबी रेखा नीचे वाले परिवारों को, कह रहे हैं कि अगर हमारी जो सरकार है गरीबों में जो राशन बांटती है वह लगभग 58% लक्ष्य भी गरीबों को नहीं, यानी सरकार जितना गरीबों को राशन देती है उतना राशन भैया गरीबों को नहीं पहुँच पा रहा, यानी जो आज हमारी सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली है वह सही नहीं है, यानी जितना लक्ष्य रखा जाता पूरा नहीं होता, यानी जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारे देश में क्या है बहुत ज्यादा भैया करप्शन है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, ठीक है।
लगभग 36% सामान की आपूर्ति श्रृंखला में हानि या क्षतिपूर्ति होती है। आज जो सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली है उसमें कई सारी कमियां, कई सारी खामियां हैं। ऐसी स्थिति में नुकसान सार्वजनिक सेवा वितरण को झेलना पड़ता है, यानी ऐसी स्थिति में जो सरकार लोगों को सेवाएं देती है उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होता है। अगर भैया अगर मान लीजिए अगर सरकार कोई योजना चलाती है और योजना का लाभ लोगों को नहीं मिलता है तो उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा नुकसान किसको, जो भैया गाँव में लोग रहते हैं, यानी गाँव के लोगों को, जो गाँव में भैया गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी है उसके पास सरकार की योजना नहीं पहुंची तो सबसे ज्यादा हानि उसी की होती है। 90 के दशक के दौरान सुधार युग हुआ, यानी 90 के दशक में इन चीजों में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को उपयुक्त बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। यानी 1990 में, यानी 90 के दशक में कह सकते हो कि भारत में जो सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली थी उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। तब से भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रोत्साहित व इसको बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए। यानी भारत में जो सार्वजनिक, यानी सरकार जो नागरिकों को पैसे देती है, जो योजना चलाती हैं, जो राशन का कुछ भी सरकार जो योजना देती हैं उनको, योजनाओं का जो वितरण है वह सही से हो, सभी लोगों को मिले, जो कैंडिडेट उचित है उनको मिले, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, यानी जो हमारा सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली है उसको ठीक करने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इनमें से कुछ कारक है जिनके नीचे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विशेष तौर पर 1980 के उत्तरार्ध में और 1990 के में राज्य को सुधारने की कई सारी लहर आई। विधि शासन यानी रूल ऑफ लॉ, यानी हम कह सकते हैं सार्वजनिक सेवा प्रणाली को ठीक करने के लिए कानून का शासन, कानून को जवाबदेही तथा पारदर्शी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बल दिया। यानी भैया जब हम अपने शासन को, यानी जो हमारी सार्वजनिक सेवा, जो नागरिकों को सेवाएं मिल रही सार्वजनिक, अगर हम उसको पारदर्शी बनाएंगे या हम उसको जवाबदेह बनाएंगे या कानून का शासन होगा तो जो आम लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, सरकार जो योजनाएं चलाती हैं वो योजना भैया गरीब आदमी को मिलेगी। क्योंकि क्या समस्या, सबसे बड़ी समस्या है ये कि गरीब आदमी को जो मिलना चाहिए, जो गरीब आदमी जिसको योजना का, जिसको मान लीजिए सरकार सिलेंडर बांट रही है, सरकार लैटरिन बांट रही है, सरकार मान लीजिए आवास बांट रही है, तो जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा, तो ये सभी लोगों को मिल सके इसके लिए बहुत सारे भारत में सबसे पहले क्या किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया है। यानी भारत में जो हमारी सार्वजनिक सेवाएं हैं वो सही ढंग से लागू हों उसके लिए विकेंद्रीकरण किया गया। यह एक ऐसा प्रयास था जिसका समर्थन विश्वभर में रहा। तदनुसार कई देशों ने राज्य की शक्तियों के उपराष्ट्रीय सरकारों को विकेंद्रीकरण कर दिया। इसमें कुछ शक्तियों के परिधान हस्तांतरित है। भारत में इसका अपवाद नहीं था। यानी अगर हमें शासन को बेहतर चलाना है, अगर सरकार कोई योजना चलाती है, अगर वह सभी नागरिकों तक पहुंचे और जो सरकार की योजना है उसे सभी देश में नागरिकों को लाभ मिले, तो जो योजना है उनका विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। यानी भैया अधिकार और शक्तियों का बंटवारा किया गया। क्या किया गया, अधिकार व शक्तियों का बंटवारा। भारत में 1992 में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के तहत भारत में सरकारों की स्थापना करके विकेंद्रीकरण को औपचारिक रूप प्रदान। हालांकि वित्तीय और कार्यों में विकेंद्रीकरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हो गई, लेकिन 73वें 74वें संविधान संशोधन में विकेंद्रीकरण आ गया। देखो, कह रहे हैं कि जो सरकार की योजना है वह नागरिकों तक नहीं मिल पाती है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, अधिकारी पैसा खा जाता है, शासन करप्ट है, इसके लिए जो सरकार की योजना है सभी तक पहुंचे, इसके लिए भारत में पहला प्रयास ये किया गया था कि भारत में ग्राम पंचायत और जो हमारा नगर निगम या नगर, यानी शहरी शासन जो है और जो ग्रामीण शासन है, यानी नगर निगम और नगर पालिका शहरों में और ग्राम पंचायतों को 73वां और 74वां संविधान संशोधन में क्या, ग्राम पंचायतों को एक संवैधानिक अधिकार मिलता है और शहर में जो नगर निगम या नगर पालिका होती हैं उनको भी संवैधानिक अधिकार मिलता है। यानी जो गाँव की पंचायत है और शहरों में जो नगर निगम या नगर पालिका है उनको जब ये सारे अधिकार मिले तो इससे यह हुआ कि जो सरकारी योजना थी वह हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, इसको लक्ष्य करके क्या होता, भारत में विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। मौजूदा समय में बेहतर शासन के लिए विकेंद्रीकरण राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा उपयुक्त और सैद्धांतिक है। इसे विकास कार्यक्रम में योजनाओं को सार्वजनिक वितरण को प्रभाविता को बेहतर बनाने में इसको विकसित प्रक्रिया, यानी जो विकेंद्रीकरण किया गया है, जैसे मान लो केंद्र सरकार कोई योजना चलाती है तो केंद्र सरकार की योजना हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, इसके लिए हमारी जो पंचायतें हैं, हमारे जो नगर निगम हैं, यानी जो हमारा लोकल प्रशासन है, ये उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब से विकेंद्रीकरण हुआ है, कहने का मतलब है जब से 73वां 74वां संविधान, आज सरकार की जो योजना है वह हर व्यक्ति तक पहुँच रहे हैं, जो सार्वजनिक सेवा है वो हर व्यक्ति हर गाँव यानी अंतिम व्यक्ति तक भी, अंतिम बैठा जो व्यक्ति है उसको तक भी सरकार की योजना क्या है, मिल रही है,
या पहुंच रही है। इसे सरकार को जनता के सामने समीप लाने यानी जो विकेंद्रीकरण करने से जो सरकार है वह जनता के समीप आ रही है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं, ऐसा करने से लोगों की जो सहभागिता है वह बढ़ रही है, नागरिक जो कर्तव्य है यानी नागरिकों का जो कर्तव्य हुआ उसमें भी जागरूकता बढ़ी है, नागरिक स्वतंत्रता और संरक्षण सरकार की जवाबदेही बढ़ रही है, विकेंद्रीकरण को उपभोक्ताओं के मोहल्ले के सबसे नज़दीक सुविधाजनक स्थानीय केंद्रों में सार्वजनिक सेवाएँ मिल रही हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा स्थानीय शासन वह बेहतर हुआ है, इससे जो सार्वजनिक सेवाएँ हैं वह हर व्यक्ति तक अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही हैं। अगला इसमें क्या किया गया है, नागरिक जागरूकता और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं की मांग है। समकालीन समय में सूचना लहर लोगों को बेहतर सार्वजनिक सेवाओं की मांग करने के साथ प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो लोगों में अगर जब से इंफॉर्मेशन जब से सूचना आई है जब से संचार आया है तब से जो लोग हैं उन तक जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वह बेहतर पहुंच रही हैं या सार्वजनिक सेवाओं को पहुंचाने में आसानी यानी नागरिकों को नागरिक जागरूकता और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं की मांग ने कह सकते हैं कि जो हमारी सार्वजनिक सेवाएं वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। अगला क्या रहेगा, सामुदायिक जुटाव, यह प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लोग स्वयं सहायता समूह सामुदायिक आधारित संगठन इत्यादि के रूप में संगठित हो रहे हैं, इसका प्रभावी सार्वजनिक सेवा की मांग करने में अधिकारों का दावा। अगला क्या होगा, जो हमारा सार्वजनिक सेवा है उसको बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रभाव डाल रही है या सरकारी कार्य प्रणाली को में सूचना आदान प्रदान करने में बाहरी उपभोक्ताओं को सेवाओं को प्रभाव डालती है। देखो आज के समय में अगर मैं बात करूं, आज जो हमारी सरकार है जो सरकार की सेवाएं चलती हैं उसको पारदर्शी बनाने में उसको जवाब देने बनाने में जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। टेक्नोलॉजी के जरिए जो भ्रष्टाचार है जो करप्शन है वह लगभग कम हो गया। यानी अब सरकार की जो योजना है जब से प्रौद्योगिकी आई है जब से टेक्नोलॉजी आई है तो सरकार की जो योजना है वह अंतिम व्यक्ति तक या सभी व्यक्तियों तक पहुँच रही है। क्या हो रही है, जो व्यक्ति है उन तक यानी जवाबदेही यानी जब हमारा शासन प्रशासन है वह अधिक जवाबदेही बन रहा है और शासन प्रशासन के अधिक जवाबदेह बनने से क्या हो रहा है कि जो सरकारी योजना है वह हर व्यक्तियों तक पहुंच रही है। यानी उसमें प्रौद्योगिकी आने से टेक्नोलॉजी आने से जो करप्शन है जो भ्रष्टाचार होता था वह भ्रष्टाचार लगभग कम हो गया। अब शासन प्रशासन में पारदर्शिता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे नागरिकों के भूमि रिकॉर्ड जाति आय प्रमाण पत्र अन्य सरकारी सेवाओं में ऑनलाइन होने जाने से क्या भ्रष्टाचार करप्शन या कहते हैं नागरिकों के लिए चीज़ें बहुत आसान है, कंप्यूटर के माउस के विकल्प करके उन्हें अपनी जगह पर बैठे बैठे सारी योजनाएं तुरंत मिल जा रही हैं। यानी अब जो शासन भ्रष्टाचार भले अब क्या होता है, पहले भाई जाना पड़ता था कोर्ट कचहरी तब प्रमाण पत्र बनते थे और वहाँ भ्रष्टाचार, लेकिन अब क्या है सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। ऑनलाइन होने से क्या हो रहा है कि जो सार्वजनिक सेवाएँ वह अंतिम व्यक्ति तक, अब जो सरकार है सरकार की अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में जो सरकार पैसे देती है डायरेक्ट नागरिकों के खाते में दे रही, अगर यही पैसा अधिकारी देते यही पैसा ग्राम प्रधान देते यही पैसा जो नेता लोग होते हैं अगर वह नागरिकों को देते भैया लैटरिन का पैसा है या घर बनाने का पैसा है या कोई भी योजना का पैसा उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिलता है, अगर यही नेता मंत्री पैसे बांटते तो नेता मंत्री आधा पैसा खा जाते। लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है जब से मान लिया बैंकिंग सेक्टर मजबूत हुआ है जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से जो पैसा है सरकार क्या करती है नागरिकों के सीधे खाते में दे रही। यानी अब जिससे कह रहा भैया जो करप्शन जो भ्रष्टाचार हो कम हो रहा है ई शासन से और डिजिटल हो जाने से। यानी आज जो गवर्नेंस है वो पूरा इंटरनेट पे आ गई है, डिजिटलीकरण होने से क्या हो रहा है कि नागरिकों की जो समस्या उनका समाधान और जो नागरिकों सेवाएं देती हैं उसका तरीका बदल गया। आज शासन प्रणाली अधिक जवाबदेही हुई पारदर्शी बनाने में डिजिटल और इंटरनेट की जो भूमिका बहुत बेहतर है, इससे सरकारी योजना जो है सभी नागरिकों तक पहुँचने में आसानी हो रही है। केरल में अक्षय, मध्य प्रदेश में ज्ञानदूत, हरियाणा में डिजिटल साक्षरता अभियान, गुजरात में स्वागत, आंध्रा में स्वाभिमान या इस प्रकार कर्नाटक में भूमि और राजस्थान में ई मित्र, जैसे ये सारी जो योजना है ई शासन की परियोजना है। यानी आज जो है अगर बात करें आज जो सरकार है वह इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों तक पहुंच रही है और इसमें करप्शन भ्रष्टाचार कम हो रहा है। यानी आज जो सरकारी योजनाएं हैं वह नागरिकों तक बेहतर पहुंच रही हैं, जो पहले भ्रष्टाचार करप्शन होता था जो नेता मंत्री खा जाते थे वह करप्शन धीरे धीरे क्या हो गया है कम हो गया, उसको भी पारदर्शी बना दिया गया। कुल मिलाकर शासन पर प्रौद्योगिकी का उत्साहवर्धन रहा है और सभी
स्टॉक होल्डर हितधारकों के लिए फायदेमंद है, यानी जितने भी स्टॉक होल्डर है, जितने भी हितधारक हैं, यानी जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से क्या हो गया है कि जो आज सरकारी योजना है वह भैया हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से ई शासन तक दूर दराज के जो लोग हैं उन तक जानकारियाँ पहुँचती हैं, जो सरकारी योजना उन तक पहुँचती हैं। आज जो सरकार पैसे देती है किसी भी योजना के लिए डायरेक्ट उनके खाते में दे रही है, इससे क्या होता रहा है जो करप्शन और भ्रष्टाचार है वो कम हुआ रहा है। यानी आज जो हमारी लोक सेवा है, यानी जो सार्वजनिक सेवा वितरण सरकार जो योजना चलाती है उसमें जो करप्शन है भ्रष्टाचार कम हुआ, यानी भारत में अगर बात करोगे सार्वजनिक सेवन वितरण प्रणाली में इस प्रकार के बदलाव हैं। अगला जो हम देखेंगे, अगला जो चैप्टर रहेगा 14.4 सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम क्या है इसको देखते हैं। भारत में सार्वजनिक सेवा कानून का उद्भव मूल रूप से यूके के नागरिक चार्टर से हुआ, यानी भारत में जो सार्वजनिक सेवा वितरण का उद्भव है वह यूरोप कह दें यूके जो था वहाँ का जो नागरिक चार्टर था वहाँ से आया। 1991 में यह लागू हुआ। भारत में जो सार्वजनिक सेवा वितरण सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम है वह 1991 में लागू हुआ। यह कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये कोई लेखा जोखा नहीं कि किताब लिखी है सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम। यह नागरिकों और सार्वजनिक सेवकों के बीच समझौता है जो सेवाओं का सक्षम और समयबद्ध वितरण मुहैया कराता है। यानी भैया जो सरकारी योजना है वह सरकारी योजना नागरिकों को सही समय पर मिले, सही टाइम पर मिले, जो सरकारी योजना मुहैया ये क्या होता है कि जो हमारे सार्वजनिक सेवक हैं, दूसरा जो जनता है उनके बीच एक समझौता है। नागरिकों के अधिकारों की सूची में उपभोक्ता अधिकारों को समय, जो नागरिकों की सूची में उपभोक्ता अधिकारों को भी मिलाएगा। उपभोक्ता में सेवाएं वादे के अनुसार सेवाएं प्राप्त न होने पर स्थिति में उन्हें व्यक्तिगत रूप से शिकायत और निवारण करने के लिए संसाधन है। चार्टर कब है? आज जैसे नागरिक उपभोक्ता अधिकार है, उपभोक्ता अधिकार अगर किसी के साथ भी अधिकारों का हनन होता है, यानी खाने पीने की या कोई भी योजना उसको नहीं मिलती है तो क्या करता है, शिकायत कर सकता है और शिकायत निवारण के लिए भी इसका काम हो रहा। चार्टर का मुख्य अभियान सार्वजनिक सेवाओं में जवाबदेही, यानी जो हमारी सार्वजनिक सेवाएँ बनाती हैं, जो सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम में क्या करता है कि जो सार्वजनिक सेवा जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए अगर उनको क्या करता है जवाबदेह बनाते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल बनाता है। यदि सार्वजनिक सेवा जिसके लिए व्यक्ति का भुगतान किया गया है यदि वह अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं है तो उन्हें पैसा वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए क्या हुआ, जब से गारंटी सेवा अधिनियम है तो मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी कंपनी से, अगर वह प्रोडक्ट खराब है तो आपको कंपनी को वापस करना पड़ेगा, आपको नया प्रोडक्ट खरीद कर देना पड़ेगा। यानी जब से अगर जैसे यहां पर हमने बात की है उपभोक्ता मंत्रालय जब से है, जब से उपभोक्ताओं के अधिकारों को ज्यादा बढ़ाया है तब से सार्वजनिक गारंटी अधिनियम जो है वह मुकम्मल हुआ है। अगर जो कस्टमर है अगर उसको यानी कह सकते जो नागरिक है अगर उसको अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ नहीं मिलती है तो उसे वापस पैसा मिलना ही चाहिए। इस तरह से उन्हें किसी भी दुकान या किसी भी क्षेत्र से सेवा प्रदाता से खरीदने का अधिकार, आज जो व्यक्ति है वह कहीं से भी अपना सामान खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, एक प्रकार की उसको छूट है जो उन्हें बेहतर सेवाएँ प्रदान कर रहा है। सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम कुछ राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं को अधिकार को अधिनियम कहलाता है। यानी सार्वजनिक सेवा जो गारंटी अधिनियम है कुछ राज्यों में इसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक सेवा अधिकार बोला जाता है। ठीक है, यह ऐसे विधान और ऐसे संवैधानिक कानून प्रदान करता है जो नागरिकों को सरकार द्वारा एक निर्धारित अवधि के अंदर सार्वजनिक सेवा देने की गारंटी देता है। यानी जो सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम है नागरिकों की जो सरकारी योजना है वह कब तक मिलेगी इसकी गारंटी देता है, और इसमें सार्वजनिक सेवा द्वारा निर्धारित समय पर सार्वजनिक सेवा न देने पर देनानी दोषी पाए जाने को उसे दंडित। यानी देखो जो सरकारी योजना है, ठीक है, अगर जो हमारी सरकारी योजना मिलती है जो नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए, अगर कोई भी सरकारी योजना नागरिकों को सही समय पर नहीं मिलती है तो उसके लिए उसको दंड दिया जा सकता है, तथा जो नागरिकों को सरकारी योजना मिलती है अगर उसमें समय पर एक तो समय पर दी जाएगी गारंटी अधिनियम, यानी भैया आपको जो सार्वजनिक सेवा है वह टाइम से दी इसकी गारंटी है, तथा अगर उसको सही समय निर्धारित समय पर नहीं दिया जाता है तो दोषी पाए जाने वाले को दंडित करने का प्रावधान है। भारत में सेवा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत करके सरकार ने भारत के नागरिकों के हाथों में एक सशक्त अधिकार थमा दिया। यानी नागरिक क्या कर सकता है, सार्वजनिक गारंटी अधिनियम का यूज कर सकता है कि भैया उसे चीज़ें क्यों नहीं मिली, वो सीधा कर सकता है, अपने अधिकार मांग सकता है। इसके प्रारंभ से युगों में सरकारी विभागों द्वारा जो यातनाओं का साक्षी था अब नागरिकों को कुछ परेशान करने वाला सार्वजनिक सेवाओं के हाथों में
परेशानी का भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था, सेवाओं के विलंबन के साथ साथ पारदर्शिता का अभाव था। यानी जो हमारी अब जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, ठीक है, हमारी जो सार्वजनिक सेवाएं पहले क्या था भैया, पारदर्शिता नहीं होती थी, भ्रष्टाचार होता था। लेकिन अब नागरिकों को क्या एक अधिकार मिल गया, तो उनको जो सेवाएं हैं वो कब तक मिलेगी, कितने दिन में मिलेंगी, और जब तक नहीं मिलेंगी तो उसके जो अधिकारी उसका दंडित भी किया जाएगा। बढ़ती हुई घटनाओं और शिकायतों को ध्यान में रख करके ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित किया गया है कि एक सुविधा तंत्र भी प्रस्तुत किया गया है। सेवा का अधिकार अधिनियम भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में, यानी सार्वजनिक सेवा जो अधिकार है वो भारत में भ्रष्टाचार जो है कम कर रहा है, शासन में भैया पारदर्शिता ला रहा है, शासन को जवाबदेह बना रहा है, यानी शासन में पारदर्शिता जवाबदेही बना रहा है। ठीक है, अब तक 13 राज्यों ने इस अधिनियम को लागू कर चुके हैं और वहाँ पर नागरिकों के मानक गुणवत्ता और पारदर्शिता समय समय पर उनके कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, अधिनियम का मुख्य उपागम क्या है, यानी सार्वजनिक सेवा जो वितरण है इसके जरिए क्या होता है कि नागरिकों को एक जो सेवाएं हैं वह कब मिलेगी, कितने दिन मिलेगी, इसकी गारंटी दी जाती है। अगर वह सार्वजनिक सेवाएं नहीं मिलती हैं तो जो अधिकारी होगा उसको दंड भी दिया जाता है। अगर क्या की चीज़ें, जैसे बिजली प्रमाण पत्र है, बिजली के कनेक्शन है, मतदाता कार्ड है, राशन कार्ड है, रिकॉर्ड है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो बताएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, जैसे बिजली के कनेक्शन है, मतदाता कार्ड है, राशन कार्ड है, भूमि, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनको क्या प्रदान की जाती हैं, ये सारी चीज़ें उनको क्या सरकारी जो सेवाएं हैं उनको प्रदान की जाए। अगर इनमें कोई देरी होती है तो नागरिक क्या कर सकता है, उसको लिखित आदेश, आज हर चीज़ का क्या लिखित आदेश है, अपील करने का अधिकार है। यह जुर्माना भी लग सकता है, अगर कोई अधिकारी समय पर काम नहीं करेगा तो 500 से 5000 जुर्माना हो सकता है। यानी सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत क्या है कि जो सरकारी योजना है वह नागरिकों को कब तक मिलेगी, ठीक है, वह नागरिकों को कब तक मिलेगी, और अधिनियम का मतलब होता है कानून, ठीक है, या वह नागरिकों को कब तक मिलेंगी और कितने दिन में मिलेंगी, इसकी पूरी तरीके से सरकार गारंटी देती है। अगर नहीं दे पाती है तो उसको दंड करने का है अधिकार है। यही चीज़ें बताएगी अधिनियम में क्या क्या अभाव है, अभाव की बात करेंगे, सूचना का अधिकार जो सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम है उसमें क्या क्या अभाव है, क्या क्या कमियाँ हैं। देखो इसमें क्या कमियाँ हैं, पहली कमी है नागरिकों को बिना किसी परेशानी से सार्वजनिक सेवाओं से लाभान्वित होने में मददगार रहा है, तदापि सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में अंगीकरण किया प्रश्न उठता है कि इसका क्रियान्वयन मौजूदा प्रणाली में रूपांतरण करने में, यानी जो सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम है वह अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है या इसका रूपांतरण नहीं हो पा रहा है। प्रत्येक राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं सार्वजनिक सेवाओं में प्रदान न करने पर दंडित करने की जो क्रियाविधि है वह सही नहीं, भिन्न भिन्न है। निर्धारित तय समय में जो सेवाएं ना दे पाने के कारण स्थिति में दंड और दंड की राशि प्रत्येक राज्यों में अलग अलग है। भाई अधिनियम का अभाव प्रत्येक राज्यों में क्रियान्वयन आदेश पर निर्भर करता है, यदि क्रियान्वयन नहीं होगा तो कानून प्रत्येक सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार रोकने में, यानी कहने का मतलब जो सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम है वह उसकी राशि हो या जो अधिनियम हो जो कानून है वह सही से लागू नहीं, इसमें बहुत सारी क्या है कमियाँ हैं और बहुत सारी खामियाँ हैं। तो कमियों और खामियों को भी हमने इसमें देखा है। अगला जो हमारा रहेगा इसमें देखेंगे, इसको देख लीजिएगा, नागरिक चार्टर क्या होता है, ये असाइनमेंट में आया था जो नागरिक चार्टर आया था, नागरिक चार्टर क्या, नागरिकों को क्या क्या अधिकार हैं जो अधिनियम उसी को नागरिक चार्टर बोला जाता है। ठीक है, देखो नागरिक चार्टर घोषणा पत्र लोगों की सहभागिता की गैर जो एजेंसियाँ हैं नॉन एजेंसी युक्त है, यह एक दस्तावेज है जो सार्वजनिक संगठनों द्वारा अपने उपभोक्ता या जो सार्वजनिक सेवा संगठन है जो उसके उपभोक्ता हैं, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनका जो उपभोग करते हैं जो नागरिक हैं उसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता को बताता है। नागरिक चार्टर पहल विभाग सरकारी विभागों में एक लिखित घोषणा पत्र का में जिसका शीर्षक वाक्य में उपभोक्ता सर्वप्रथम बोला नहीं जाता है कि जो उपभोक्ता यानी कस्टमर फर्स्ट या पीपल फर्स्ट जो लिखा जाता है इसी को नागरिक चार्टर बोला, यानी कोई भी सरकारी विभाग है भैया वो क्या बोलता है कि नागरिकों को हम क्या क्या सुविधाएं देंगे इसी को नागरिक चार्टर बोला। कोई भी सरकारी विभाग है, कोई भी हमारा सरकारी मंत्रालय है वो क्या बताता है नागरिकों को जो क्या क्या सेवाएं, सबसे पहले इसी को नागरिक चार्टर, इसमें सेवा वितरण की प्रतिबद्धता व मानकों को और इसका अनुपालन ना होने की स्थिति में शिकायत निवारण या निदान कार्रवाई होती है सूची किया गया। एक चार्टर के रूप में नागरिकों को सुस्पष्ट वितरण अंगीकरण है या सार्वजनिक संगठनों के द्वारा उपभोक्ताओं की गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करता है। देखो नागरिक चार्टर क्या होता है, आज कोई भी सरकारी कार्यालय देखोगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि नागरिकों को हमें क्या क्या अधिकार देंगे, भैया नागरिक आएगा तो ये सेवाएं देंगे, वो सेवाएं देंगे, यह होगा नागरिकों के लिए, उसी को नागरिक चार्टर। आप बैंक में चले जाओ, आप अस्पताल में चले जाओ, आप कार्यालय में चले जाओ, आप किसी भी मंत्रालय में, तो जो लोग हैं उनको क्या क्या सेवाएं दें अगर वही सेवाओं को देने के लिए इसी को नागरिक चार्टर, यानी जैसे नागरिक चार्टर हमने बोला है कि पीपल फर्स्ट
यानी उपभोक्ता, यानी जो हमारा उपभोक्ता है वह सर्वप्रथम है, उसी को जो नागरिक चार्टर है। ये नागरिक चार्टर ग्रेट ब्रिटेन में 1991 में, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सन 1991 में नागरिक चार्टर को श्वेत पत्र के जरिए सर्वप्रथम जारी किया गया था, अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यानी जो नागरिकों को जो जो सेवाएं प्रदान की जाएं उसको एक लिखा रहता है, उसी को नागरिक चार्टर बोलते हैं। इसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, अमेरिका, इन सभी राष्ट्रों में, ग्रेट ब्रिटेन में भी इसका अनुसरण किया। यानी जो नागरिक चार्टर है कि नागरिकों को क्या क्या योजना, क्या क्या दिया जाएगा, उसका एक भैया लेखा जोखा लिखा रहता है सभी कार्यालयों में, उसको बोलते हैं। इन देशों ने अपनी, ध्यान सुना अगला क्या है, इन देशों ने अपनी राष्ट्रीय कार्य नीति में उद्देश्य से एक नागरिकों को अधिकार देने वाला चार्टर का अंगीकरण किया है। सार्वजनिक सेवा वितरण में अधिकार अधिनियम के उपागम करता है। देखो यह सरकार नागरिक संबंधों पर आधारित है, यानी जो नागरिक चार्टर है वो सरकार और नागरिकों के बीच संबंध बनाता है, या सार्वजनिक सेवाओं में इसके नागरिकों के नजरिए रखता है, यानी नागरिक क्या करता था इसे जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उसमें नज़र रख सकता है, तथा नागरिक चार्टर नागरिकों द्वारा परिवर्तनी, यानी नागरिक इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, यानी नागरिकों के जरिए क्या है यह परावर्तनीय नहीं, यानी नागरिक इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकता है, मानक, गुणवत्ता, अवधि आदि पर किसी प्रकार का एक प्रदान करेगा, यह नागरिकों को अधिक शक्ति और चुनने की आज़ादी सुन, यानी नागरिक जो चार्टर नागरिकों को अधिक शक्ति चुनने का आज़ादी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है स्वतंत्रता प्रदान करता है। नागरिक चार्टर मुख्यतः मानक, सूचना का खुलापन, विकल्प, परामर्श, शिष्टाचार, सहायता, ये सभी प्रकार की चीज़ों को क्या करता है यह मॉडल प्रदान करता है। यानी नागरिक चार्टर एक प्रकार के जो सरकारी कार्यालय होते हैं उसमें नागरिकों की क्या सेवा जाएगी, कितना खुला रहेगा, या कहने कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, उसका प्रयोग करने के लिए नागरिक चार्टर का यहाँ पर यूज होता है। ये असाइनमेंट में क्वेश्चन था, ठीक है। अगला जो हमारा रहेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार क्या होता है। देखो सूचना का अधिकार देखते हैं, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में एक सरकार का प्रमुख उभरा है। यह शासन को क्या जवाबदेह, पारदर्शी बनाने तथा सार्वजनिक जो सेवाएं क्षेत्र हैं उनका जो वितरण है उसमें महत्वपूर्ण है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है सरकार को या शासन को पारदर्शी बनाता है, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की नीतियां हैं वह नागरिकों तक पहुँच रही हैं नहीं पहुँच रही हैं, उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक महत्वपूर्ण है। विकासशील देशों में शासन को सुधारने के लिए नीति पैकेजों के संगठन के अंतर्गत इसका समर्थन रहा है। वस्तुतः यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है या औपचारिक अभिलेख है जिसके माध्यम से शासन प्रक्रिया में, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए जो हमारा शासन है उसमें खुलापन भैया की सारी चीज़ें नागरिकों को पता रहे, जानकारियां होनी चाहिए, पारदर्शिता बनाता है, जो शासन उसको जवाबदेह बनाता है करता है, नागरिकों की शिकायतों का निवारण, यानी नागरिकों की जो शिकायत उसका निवारण सूचना के अधिकार के जरिए किया जाता है। सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसका बहुत बड़ा योगदान है। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी ये हमें जवाबदेही का एक साधन प्रदान करता है। सूचना का अधिकार जो है वह सार्वभौमिक घोषणा पत्र है जिसे अनुच्छेद 19 में लिखा गया, यानी अनुच्छेद जो आर्टिकल 19 है उसमें सूचना का अधिकार दिया गया है। यह नागरिकों को एक क्या है मौलिक अधिकार, मानव अधिकार है, मौलिक मानव अधिकार है जो सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह सभी संयुक्त राष्ट्र में भी ये समर्पित है, स्वीडन में यानी अन्य देशों में भी सूचना का अधिकार है। भारत में सूचना का अधिकार जो है यह जो है अगर देखोगे अनुच्छेद 19 के आर्टिकल 1 में है, सूचना का अधिकार संयुक्त करके राष्ट्रीय मानव अधिकार में जोड़ा गया है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट है। अब भारत की जो अगर बात करोगे हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 19 में है, सन 2015 में सरकार द्वारा सूचना के अधिकार में लागू है, इस तरह सन 2015 में सरकार ने इसमें कुछ चेंज करके इसमें लागू किया था। सूचना का अधिकार क्या करता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उसको पारदर्शी तथा उन सरकारी नीतियों की जानकारी में बढ़ाता है। सूचना के अधिकार के तहत जो सार्वजनिक परीक्षण है उसका सरकारी रिकॉर्ड को जाना जा सकता है, यानी जो सरकार का काम है, सरकारी क्या नीतियां, क्या कानून बन रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं उसको जान, यानी सरकार के जो काम है वह कितने सही, कितने कारगर हैं उसको जानने का एक तरीका या ढंग है, जिसके तहत नागरिक सूचना के जरिए एक साधन है। यह इस तरह यह सरकार को ज़्यादा से यानी नागरिक यानी सूचना का अधिकार क्या है यह हमारी सरकार को और शासन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाता है जवाबदेह बनाएगा। सरकार के कार्यकरण के बारे में नागरिक सूचना को सरकारी प्रक्रिया में कारगर ढंग से योग्य बनाने की योग्यता है। यह एक मौलिक अर्थों में सूचना का अधिकार सुशासन यानी जो सूचना का अधिकार क्या है वह सुशासन की शुरुआत या उसका आधारभूत ढांचा
माना गया है। भ्रष्टाचार जो है उसको कम करने में जो सूचना का अधिकार है उसकी बहुत जवाबदेही है। सूचना का अधिकार ने सरकारों को जवाबदेही सुनिश्चित की है तथा नागरिकों को भी सशक्त बनाता है, यानी नागरिकों को जो अधिकार उनके अधिकार पता उनके राइट क्या हैं उनको भी क्या सशक्त बनाता है। तथा सरकार का खुलापन, जवाबदेही तथा सरकार जो है वह जनहित हितैषी रहे इसके लिए यह कार्य करता है। सूचना का अधिकार एक अत्यंत प्रबल साधन है जिसे आगे चल करके जैसे हम विशेष रूप से मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में भी जिसे हमें इसने साक्षी बनाया। मनरेगा के निर्देशों के अनुसार सूचना का प्रदर्शन जो होता है यानी मनरेगा और तमाम तरह की योजनाएँ में है। ITC को भी सफलतापूर्वक लागू किया, यानी जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है तब से अगर आप इसमें देखेंगे तो जब से इंटरनेट आया है तब से जो सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन है वह बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। या कह सकते हैं कि हमारी सरकारों को या शासन को जवाबदेह बनाने में सूचना का अधिकार है इम्पोर्टेंट है और जब से इंटरनेट आया है ठीक है जब से यहाँ पर इंटरनेट आया है और इंटरनेट के आने से जब इंटरनेट की जो भूमिका जब से बढ़ी है तब से क्या हुआ है ये हमारे जैसे गुजरात में गैर सरकारी संगठन में जैसे 2000 से मनरेगा मजदूरों को दिया न्यूनतम मजदूरी सूचना के RTA का प्रयोग किया गया। यानी मजदूरों को देखो अगर सरकार पे कहीं भ्रष्टाचार है कहीं पर करप्शन हो रहा तो करप्शन इसके जरिए क्या जाना जा सकता है या पता किया जा सकता है। जो भ्रष्टाचार देखो या क्या कह रहा हूँ जो भ्रष्टाचार और जो करप्शन है उसको इन चीज़ों के जरिए क्या किया जाना जा सकता है या उसका पता लगाया जा। यानी सूचना का अधिकार क्या है वह सरकार को पारदर्शी बना रहा है या सरकारी नियमों को बेहतर बना। राजस्थान में अगर बात करें तो वहाँ भी सूचना का अधिकार का प्रयोग किया गया, सहयोग किया गया था, वहाँ भी कह सकते हैं वहाँ भी पारदर्शिता है। दिल्ली में स्वयंसेवी संगठन जो है उसमें भी पारदर्शिता लगाने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन का प्रयोग है। झुग्गी झोपड़ियों में नागरिक यहाँ पर भी राइट यानी कह सकते हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वह हमारे शासन प्रशासन को क्या हमारा जो शासन प्रशासन है या जो हमारी सरकार है उसको जवाबदेह बनाने में या आप कह सकते हो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने में कह सकते हो RTI जो यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, देखभाल में, स्वच्छता में, बिजली आपूर्ति में, पेंशन में इत्यादि मामलों में नागरिकों को RTI का प्रयोग करते हैं। यानी जो नागरिक है शिक्षा में, एजुकेशन में, सभी जगह पर RTI का प्रयोग कर सकता है और RTI के जरिए शासन में बड़ा बदलाव आया है और हमारी जो सार्वजनिक सेवाएँ हैं उनको कारगर और बेहतर बनाया जा रहा है यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए। अब हमारा रहेगा कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व जिसे हम क्या बोलते हैं CSR, ठीक है। CSR क्या होता है उसको देखिएगा। नागरिकों के कल्याण के लिए शासन केंद्रित उपागम में कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व समझते हो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो को हमारा कॉरपोरेट है उसका भी समाज के प्रति जो दायित्व तो बनता है यानी उसका भी समाज के प्रति भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह भी सार्वजनिक कार्यों को करे, वह भी सार्वजनिक नीतियों के यानी लोगों को उस देखो आज जो बड़े बड़े कॉरपोरेट जो घराने हैं उनकी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि समाज में गरीबी है, भुखमरी है, स्वास्थ्य है, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में वो भी प्रयास करते हैं। इसको मैं कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व एक बार बता भी चुका था आपको, मैंने बताया भी था शायद किसी क्लास में, तो वही राज्य में हितों की सेवा की सर्वोत्तम तरीके हेतु बताया जाता है। अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पर जो कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व जो मैं बता रहा हूँ CSR जो होता है, CSR क्या होता है कि जैसे हमारी जो कॉरपोरेट है उसकी बाध्यता को बताता है। CSR एक प्रकार का ये समझ लीजिए क्या है कि जो आज हमारी सरकारी नीतियाँ हैं उसके उत्तरदायित्व को बताता है तथा कंपनियों को न केवल अपने कार्यबल की देखभाल का दायित्व बताता है बल्कि उनके सामाजिक विकास में भी योगदान है। यही जो हमारी कॉरपोरेट है वो भाई कार्यबल है वो अपना फ़ायदा करें लेकिन उनका समाज के प्रति भी क्या होता है एक दायित्व है। यानी जो कंपनियां हैं उनका भी क्या होता है एक दायित्व बनता है, उस दायित्व को भी क्या कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व बना। इस तरह कॉरपोरेट अपने सामाजिक पर्यावरणीय सरोकारों में व्यापक रूप से काम करता है। ये जवाबदेही, पारदर्शिता और सामाजिक पर्यावरण निवेशी पर बल देता है जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के पहलू हैं। कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व के तीन पहलू कौन कौन से हैं? कॉरपोरेट परंपरागत कॉरपोरेट यानी लोकपरक अर्थात यानी सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रयोजनार्थ या उपागर अस्थायी विकास और हितधारकों की प्राथमिकता देते हैं। सार्वजनिक मूल्यों और हितधारकों को दीर्घकालिक हितों में आधारित बनते हैं। यह कोई नई अवधारणा नहीं है। JDR टाटा ने भी स्वीकार यानी JRDR यानी रतन ये टाटा ने भी स्वीकार किया है कि समाज में अलग थलग होकर के व्यापार कर पाना संभव नहीं, यानी समाज से अलग अलग इस पिछले कुछ समय से भारत में व्यापार घरानों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में क्षेत्र में अपना योगदान के माध्यम से सामाजिक दायित्व को निभाया है। स्वतंत्र भारत में टाटा बिरला
टाटा बिरला बजाज अन्य कई व्यापारिक घराने हैं जिन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य आदि जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, ये क्या है बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो इन्होंने कंपनी लगाई है बहुत ज़्यादा। तो ये लोग क्या कहते हैं, सरकार कहती भाई जो आप लोग समाज में है, आपकी कंपनी चलती, आप इतना प्रॉफिट कमाते हैं, आप इतना पैसा कमाते हैं, तो आपका भी कुछ ना कुछ दायित्व बनता है, आपका भी कुछ ना कुछ दायित्व बनता है कि क्या करो, आप भी समाज में कुछ योगदान दो, आप स्वास्थ्य में, हेल्थ में, कल्चर में। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती कई बार जैसे प्याऊ लगवा देना, सड़क बनवा देना, या जहां पर कई बार गांव में अगर कंपनी लगती है तो कंपनी गांव के लोगों के लिए सड़क बनवाती है, प्याऊ बनवाती है, या शिक्षा। जो बड़े बड़े घराने जैसे टाटा बिरला हैं, जो बड़ी बड़ी रिलायंस जो इनकी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या क्या करते हैं समाज के लिए हॉस्पिटल बनवा देना, स्कूल बनवा देना, गरीबों के लिए भोजन की, इनका समाज, क्योंकि जो कॉरपोरेट है वह समाज से अलग होकर, यानी कॉरपोरेटिव जो कॉरपोरेटिव व्यापार करता है, अगर आप व्यापार कर रहे हैं समाज में तो आपको समाज के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। यानी CSR बताता है, होता है कि जो हमारा कॉरपोरेट है उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। बोला जाता है जो कंपनियां उसका लगभग कितना, अगर किसी कंपनी का कितना, क्या बोला जाता है, अगर किसी कंपनी का अगर ठीक है 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, टर्नओवर है कितना, अगर किसी कंपनी का 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होता है तो उसको कितना, कम से कम 2% किसमें, CSR में, यानी कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व, हम जिसे बोलते हैं CSR बोला जाता है, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस बोले, यानी समाज के प्रति जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो उद्योगपति, जो कंपनी, जो इंडस्ट्री है, उसका एक दायित्व बनता है कि वह समाज में भाई भलाई के काम करे, लोगों के हित के काम करे, एजुकेशन में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, या इसी शिक्षा में, एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, इनमें क्या करती है, वह अपना योगदान देती है, यानी कुछ पैसे लगाएगी, रोजगार पिछले विकास में और स्वास्थ्य सुविधाओं में करती है, यानी जो कॉरपोरेट है जैसे रोजगार में, विकास में, स्वास्थ्य सुविधाओं में कदर करता है, आर्थिक विकास में योगदान देने की जरूरत व्यापारी घरानों ने समझा है, आयात में वृद्धि करके उद्योगों में करके वह काम करते हैं, राज्य नागरिक और संगठनों को कॉरपोरेट घराने को सम्मिलित करके प्रशासनिक बनाया। आज CSR एक नई तरीके से स्पष्ट किया जाता है, CSR लोक परक आधारित मॉडल के रूप में माना गया है, इस परिवर्तित प्रदेश में अब हितधारकों के अनुरूप भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो यानी कॉरपोरेट एक प्रकार के जो कॉरपोरेट की जिम्मेदारी, जैसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कॉरपोरेट CSR होता क्या, यानी जो बड़े बड़े राजनीतिक घराने हैं वो सांस्कृतिक पारिवारिक परंपराओं का निर्धारण करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी की जैसे सिद्धांत है कॉरपोरेट गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं, या CSR जैसे 80 के दशक की आज तक जैसे लोक परंपरागत है बदलाव लाने में CSR को एक विचारशील माना जाता है, ठीक है। तो CSR वही होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती, बड़े बड़े जो घराने होते हैं, जो 1000 करोड़ से या 5 करोड़ तक से ज़्यादा, कितना यहाँ पर टर्नओवर की बात की गई है, ठीक है, पहले कम था, अभी इसको ज़्यादा दिया गया, अब कितना बनाया गया, 2013 में परिवर्तन करके 1935 में क्या बोला गया है, कम से कम 500 करोड़ से 1000 करोड़, जो कंपनियां या 5 करोड़ तक ज़्यादा से नेटवर्क वाली हैं, टर्नओवर वाली हैं, वह टर्नओवर जिनका है, टर्नओवर यानी जिनको लाभ मिला 5 करोड़ से अधिक होता है, ऐसी कंपनियों के लिए ऐसे प्रावधान किए गए, यानी ऐसी कंपनियां जो 500 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, जिनका लाभ 5 करोड़ जो नेटवर्क है 5 करोड़ से, या कह सकते 500 करोड़ से 1000 करोड़ का जिनका नेटवर्क है, वह CSR में कितना, 2%, यानी भैया उनका जो प्रॉफिट है उसका 2% क्या होता है, कॉरपोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो क्या करती हैं, पैसों को देती हैं, पैसा उनको प्रदान किया जाता है, ताकि समाज में जो कॉरपोरेटिव घराने हैं सामाजिक, उनका एक सामाजिक एक जिम्मेदारी बनती है। तो नागरिकों को भैया स्वास्थ्य में, हेल्थ में हो गया, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, एजुकेशन में क्या करती हैं, वह पैसे लगाती हैं, और समाज में वह भी क्या करती हैं, वह भी अपना एक योगदान दे रही हैं, ठीक है।